नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। हाथरस के डीएम ने ली रात में दाह संस्कार के फैसले की पूरी जिम्मेदारी। राजनाथ ने मनाली लेह राजमार्ग सहित 44 पुलों का उद्घाटन किया। हाथरस मामले में सीबीआई टीम पुलिस से केस रिकॉर्ड लेने हाथरस पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में 7 महीने बाद लगभग पूरे संख्या बल के साथ काम शुरू। 200 फिल्मों में काम करने वाली दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू सुंदर भाजपा में शामिल। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा को लेकर नवरात्र से चलेगा मिशन शक्ति अभियान। गोवा कोविड के इलाज को DDSSY योजना में शामिल करने के फैसले में स्थगिति। गोवा वेरना पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने वाली टोली को पकड़ा। इंडियन सुपर लीग के 7 प्लेयर्स और 1 कोच पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। क्राइम ब्रांच के द्वारा कारंजाड़े में बैटिंग लेने वाले गिरोह पर कार्रवाई। गोवा मिर्ची में पानी की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण कुछ क्षेत्रों में 14 और 15 अक्टूबर को मर्यादित जलपूर्ति। गोवा में घर पर क्वारंटाइन हुए 5,000 कोरोना मरीजों को 1 सप्ताह के भीतर होम आइसोलेशन किट वितरित किए जाएंगे। गोवा भाजपा ने पणजी मुख्यालय में राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती मनाई। गोवा राज्य में 2 नए पुलिस जिला विभाग कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए लिए गए हैं फैसले। एसएसआर योद्धाओं ने ब्रिटेन में निकाली कार रैली, सुशांत की बहन ने साझा किए वीडियो।